अस्सलामुअलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज एक चीज़ बताता चलूँ कि कंपैरिजन मैंने करना है आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड। ये बहुत सारे मेरे साथ क्वेश्चन हो रहे थे कि हम कनाडा में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं या अमेरिका में जाएं। मोस्टली लोग ये पूछते हैं, लेकिन मेन क्या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन आ रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ। अच्छा दोस्तों, अगर अर्निंग के हवाले से बात की जाए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है वो अमेरिका में है। उसके बाद अर्निंग के हवाले से देखा जाए कौन सा कंट्री है, तो नंबर सेकंड पर मैं अपनी सबसे ऑस्ट्रेलिया को रखता हूँ। मैंने दोनों कंट्रीज फिल वक्त दो दफ़ा ट्रैवल किया, तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में मैं बहुत लंबे रूट पे गया हूँ। खैर, वो व्लॉग्स मेरा दूसरे चैनल पे आएंगे, अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, वो मैं कर दूंगा। खैर दोस्तों, अगर आपने अमेरिका में देखना है तो अमेरिका में अर्निंग सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, अर्निंग अमेरिका के मुकाबले में कम है, लेकिन बाकी दुनिया के हवाले से बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को मैं प्रायोरिटी देता हूँ अमेरिका के। उनका सिस्टम बहुत डिजिटलाइज है, अगर कोई बंदा वहाँ पे किसी क्राइम में मुलव्वस हो तो उसको सीधा वो डिपोर्ट करते हैं कंट्री वाले उसके होम कंट्री के अंदर। तो इसलिए मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, क्राइम नहीं करते हैं, क्योंकि कैमरे हर जगह पे लगे हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात की जाए, वहाँ पे सब कुछ होता है, तो आपको पता कि हर किस्म का क्राइम भी हो रहा है और हर चीज़ है। अगर मैं इसका कंपैरिजन ले जाऊं कनाडा के साथ, तो कनाडा भी सिक्योर कंट्री है एज कम्पेयर टू अमेरिका, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर जगह पे क्राइम रहता है। लेकिन कनाडा का वेदर की अगर बात की जाए तो वेदर हार्श बहुत ज़्यादा है। जो कि ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया का वेदर नॉर्मल है, वहाँ पे ठंड भी जब पड़ेगी तो नॉर्मल होगी, और गर्मी जब पड़ती है तो गर्मी शदीद भी पड़ती है। वहाँ पर सिडनी में या मेलबर्न में जब गर्मी पड़ती है तो अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल वेदर उनका अच्छा है। अगर मैं साथ ही न्यूजीलैंड को बात कर लूँ तो न्यूजीलैंड अच्छा कंट्री है, खूबसूरत है, हर चीज़ है वहाँ पे, लेकिन मोस्टली लोग हमारे न्यूजीलैंड में इंटरेस्टेड नहीं, लिहाजा हम न्यूजीलैंड को अभी थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। इन तीन मेन कंट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका। तो अगर बात की जाए वीज़ा कन्वर्जन की, कि वीज़ा कन्वर्ट किस कंट्री के अंदर हो जाता है, आसानी से कनाडा में हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे है कि वीज़ा इजीली कन्वर्ट होता है, जिसमें पैसे भी कम लगते हैं। तीनों कंट्रीज़ में हो तो जाता है, लेकिन पैसों का थोड़ा सा आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने जब करना है तो आपके पैसे कम लगेंगे। आके स्ट्रेट अवे आपने स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाना है अपने वीज़े को, तो जब स्टडी वीज़ा पर कन्वर्ट करवाते हो, एल ए कोर्स ले लेते हो, तो उसमें आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ही होता है बेसिकली। तो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का ही कोर्स आपने लेना, तो उसके बाद आपको वर्क भी अलाउ हो जाता है, साथ साथ काम करो, साथ साथ जो पढ़ाई करो, स्टडी करो। जहाँ तक कनाडा की बात की जाए, कनाडा में भी कन्वर्ट हो जाता है। कनाडा में डायरेक्टली आप वर्क परमिट भी ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट डायरेक्टली तौर पर लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कनाडा के अंदर डायरेक्ट वर्क परमिट आता है। लेकिन कनाडा का जो वर्क परमिट LMIU होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, $30,000-$35,000 कैनेडियंस लग जाते हैं अगर आप कनाडा में हो, तो इसलिए लोग उसको उस पर नहीं जाते हैं, तो किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में वर्क परमिट लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन स्टडी में भी लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं, पैसा लगता है उसमें, पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप पैसा अगर आपके पास है वो लगाते हैं तो उस हिसाब से आप अर्निंग भी करते हो। इन दोनों ममालिक के ऊपर अमेरिका भारी है पैसे के हवाले से। कि इन दोनों में मैंने आपको सिक्योरिटी भी बता दी, स्टडी भी बता दी, वीज़ा कन्वर्ट भी बता दिया, लाइफस्टाइल कहाँ का अच्छा है। मुझसे कोई कहता है 3 कंट्रीज़ हैं, कहाँ पे जाना चाहोगे विद फैमिली, कि अपनी फैमिली पूरी को लेके आप कहाँ पे किस कंट्री में स्विच होना चाहोगे, तो एक बार मैं सोचूंगा कनाडा में हूँ या फिर ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अमेरिका को मैं अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करूँगा अगर फैमिली के साथ की बात करता हूँ। अगर मुझे कहते हैं कि आप फैमिली को निकाल दें, आप खुद किस कंट्री में शिफ्ट होना चाहोगे, सेटल डाउन होना चाहोगे, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर आ जाऊंगा, फिर अमेरिका मुझे चाहूंगा। फैमिली के साथ मैं अब कंपैरिजन में लेकर आऊं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो मैं शायद की बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में हो जाओ, समटाइम मैं सोचूंगा कनाडा में। उसकी रीज़न बता क्या, कनाडा में वेदर जो है ना, वेदर वो थोड़ा सा हार्श है, ऑस्ट्रेलिया का वेदर अच्छा है,
इस वजह से। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी पीआर और नेशनैलिटी की, तो कनाडा में जल्दी पीआर नेशनैलिटी मिलती है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं शायद कभी कनाडा को प्रेफर कर दूं। लेकिन ये दोनों कंट्रीज के अंदर मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, मुझे वक्त लगेगा इन दोनों को चूज करने में, कौन सा कंट्री मुझे चूज करना पड़ेगा। वो दोनों सिस्टम सेम है, वो आपने चेक करना कि आपने जाना किधर है। मुझसे पूछ लो, मैंने अपना बता दिया कि मुझे थोड़ा सा हो जाएगा टाइम लगेगा कि मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। दोनों कंट्रीज का ऑलमोस्ट स्टेटस भी सेम है। पासपोर्ट की बात की जाए, दोनों कंट्रीज के जो पासपोर्ट है दुनिया के 8वें नंबर पर आते हैं। और करेंसी की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका और चीज़ है, अमेरिका तो डिफरेंट आ जाता है उसका। तो खैर, अमेरिकन पासपोर्ट किसी के पास हो या अमेरिका की नेशनैलिटी हो तो वो तो वैसे ही बहुत सारे मुल्क उस पर ऑन अराइवल फ्री है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही है, इन दोनों कंट्रीज के ऊपर भी है, लेकिन अमेरिकन पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, अब करेंसी की बात की जाए, करेंसी नो डाउट अमेरिका की हाई है, डॉलर जो अमेरिका वो अच्छा है, बाकी इन दोनों कंट्रीज में भी डॉलर्स चलते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन डॉलर्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। इनकी जो नोट करेंसी नोट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों बने हुए हैं इसके प्लास्टिक नोट है, दोनों पे मिलकर एलिजाबेथ है। और इनकी जो कन्वर्जन रेट्स हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपने चूज़ करना जाना किधर है, क्योंकि मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने इन तीन कंट्री का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, अब आपने किधर जाना वो आपने खुद बताना। तो मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, रेड टॉपिक पर ख्याल रखें अपना, देखें अपना।